बड़ी खबर आ रही है इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकी तहसीन उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहसीन को भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और राजस्थान एटीएस के साझा अभियान में तहसीन को गिरफ्तार किया गया। इस अभियान में बिहार पुलिस भी शामिल थी। तहसीन प्रदेश के कई हिस्सों में होने वाले धमाकों में शामिल होने का आरोप है। दो दिन पहले गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी वकास से पूछताछ के बाद तहसीन को गिरफ्तार किया गया। कहा यह जा रहा है कि वो फर्जी पासपोर्ट हासिल करने की ताक में था। पुलिस के मुताबिक तहसीन राजस्थान में गाइड के रूप में काम कर रहा था। तहसीन को बिहार के समस्तीपुर का बताया जा रहा है। तहसीन पर मोदी की पटना रैली के दौरान धमाकों को अंजाम देने का शक है। निशांत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। निशांत, आपसे जानना चाहेंगे, वकास की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जो चेन जिसकी बात कही जा रही थी कि नेटवर्क छोटा नहीं है, बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है जो कि आने वाले दिनों में चुनावों में भी गड़बड़ियां फैला सकते हैं, क्या उसी के तहत ये गिरफ्तारी मानी जाए और कितनी बड़ी गिरफ्तारी है ये? बिल्कुल रंजित, देखिए ये गिरफ्तारी अगर बात करें तो बहुत बड़ी कामयाबी मिली है दिल्ली स्पेशल सेल को जो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रही थी। तहसीन उर्फ मोनू यासीन भटको के बाद इंडियन मुजाहिदीन की जो पूरी टीम है उसको नेतृत्व दे रहा था, लगातार काम कर रहा था और कई धमाकों में सीरियस तौर पर शामिल रहा है। पटना का सीरियल ब्लास्ट जो अक्टूबर महीने में हुआ था उसमें खुद बतौर प्लांटर इसने काम किया है। इसके अलावा दिलखुश नगर जो डबल ब्लास्ट था वहां पर भी ये बतौर प्लांटर वहां मौजूद था, उसने पूरी साजिश रची। इसके अलावा 13-7 धमाका जो मुंबई का था ट्रिपल ब्लास्ट उसमें भी शामिल रहा है। तो लगातार इसकी तलाश कई जांच एजेंसियों को थी, लेकिन जब वकास की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से जो लीड मिली थी स्पेशल सेल एटीएस और कई और एजेंसियां लगातार इसको ट्रेस कर रही थी और उसके बाद उन्हें जानकारी मिली थी कि समस्तीपुर जो उसका पैतृक गाँव है उसके आस पास तहसीन मौजूद है और उसी के आधार पर दो दिन से लगातार जो टीम थी उसको तलाश रही थी उसमें इसको कल एक बड़ी कामयाबी मिली है। कल देर रात जो जबलपुर और नेपाल सीमा है वहाँ आसपास से इसकी गिरफ्तारी हुई। वकास को गिरफ्तार किया गया, अब तहसीन को, यानी वकास से लीड मिली तो तहसीन की गिरफ्तारी हुई, इसके बाद क्या बाकियों की गिरफ्तारी भी संभव है क्योंकि पूछताछ के बाद ही लीड ले रही है पुलिस? देखिए तहसीन और वकास की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इंडियन मुजाहिदीन का जो इंडिया विंग था जो उनके बड़े आतंकी थे अभियुक्त आरोपी हैं जो जिनको पुलिस मानती है वो फिलहाल जांच एजेंसियों की गिरफ्त में है। सबसे पहले यासीन की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद वकास एक बड़ी कामयाबी के तौर पर जांच एजेंसियों के हाथ लगा और अब तहसीन जिसे मास्टर माइंड बताया जा रहा था कई धमाकों का वो उनकी गिरफ्त में है। जाहिर तौर पर कई स्लीपर सेल के बारे में वो पूछताछ में जानकारी आएगी और ये भी सामने आएगा कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन ने किन किन शहरों में अपनी नई टीम तैयार की है और आगे क्या किस तरह की साजिश थी जिसके तहत ये लोग काम कर रहे थे। जी शुक्रिया, बहुत नजरा बना रखिए। नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तारी ये हुई है, तहसीन की गिरफ्तारी हुई है, आईएम का संदिग्ध आतंकी तहसीन, और आपको बता दें कि वकास की गिरफ्तारी हुई थी दो दिन पहले और उसी के बाद वहीं से लीड लेकर पुलिस ने तहसीन को गिरफ्तार किया है। एक बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही क्योंकि फर्जी पासपोर्ट बनवाने की फिराक में था और उसके बाद नजर सीधा नेपाल पर थी कि फर्जी पासपोर्ट के जरिए नेपाल जाएगा। राजस्थान में फिलहाल ये काम कर रहा था, एक गाइड के तौर पर वहां पर काम करता था। बड़ी गिरफ्तारी ये मानी जा सकती है, आईएम का संदिग्ध आतंकी है तहसीन।